करण जौहर की दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को जब बाहर निकाला गया तब ऐसा लगा कि कार्तिक आर्यन का करियर अब समाप्त हो चुका, अब उनकी जिंदगी में भी कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। सुशांत को पहले कई सारी फिल्मों से बाहर निकाला गया और करण जौहर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और जिसके बाद सुशांत का करियर एकदम से चौपट करने की पूरी कोशिश की गई और हुआ भी, सुशांत की जिंदगी चली गई। लेकिन कार्तिक आर्यन के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कार्तिक आर्यन को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब कार्तिक आर्यन से इन्हीं चीजों को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि मैं अपने टैलेंट के दम पर यहां तक पहुंचा हूं। उनका यह कहना है कि मैं किसी भी बॉलीवुड कैंप का हिस्सा नहीं हूं, टैलेंट के दम पर पहुंचा हूं और भविष्य में इसी तरह से काम करते रहूंगा। करण जौहर की दोस्ताना को लेकर कुछ भी नहीं कहा, यहां तक ये भी कहा कि कई बार चीजें जो है वो आपके लिमिट से बाहर हो जाती हैं, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ये सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है कि ये चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि इस तरह की चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब वो इन चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हैं और मैं इन चीजों से डर जाता हूं, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो इस दुनिया से नहीं जुड़ी है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ आपको काम करना है और अपने काम से काम ही मतलब रखना है, बाकी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन ये चीजें कई बार आपके फैमिली पर भी असर डालती है, इन्हीं चीजों को लेकर मैं कभी कभी चिंता में पड़ जाता हूं, बाकी मैं किसी भी चीज को लेकर ज्यादा नहीं सोचता। यानी कार्तिक आर्यन ने सीधे सीधे तौर पर तो नहीं कहा लेकिन एक घुमा फिरा के जरूर कह दिया है कि मैं अपने टैलेंट के दम पर यहां पर पहुंचा हूं, मुझे किसी कैम्प की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, चाहे वो करण जौहर हो चाहे बॉलीवुड का कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, जो प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ जुड़ना चाहेगा काम करना चाहेगा मैं उसके साथ काम करूंगा। यानी करण जौहर को हर कोई तमाचा बजाकर निकल ही जाता है।